सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के प्रथम श्लोक प्रथम मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। तो इसमें इस मंत्र में यह कहा गया है, ओम उष्णः वैवाश्रवसः सर्ववेदसं ददो तस्यः नचिकेता नाम पुत्राश। अर्थात सर्ववेदस यज्ञ के इच्छुक वाश्रवस ने उस यज्ञ की कामना से धन दान दे दिया, सर्वस्व दान दे दिया, और कहा जाता है कि उसका नचिकेता नामक एक पुत्र था। तो पहले की ये बात बताया जा रहे हैं, ये वाज सर्वस, वाज कहते हैं अन्न को, शक्ति को, युद्ध को, बहुत सारे चीजों के लिए इसका प्रयोग होता है इस शब्द का। तो वाज स्रवस, तो यहाँ जो स्रव है वो उसके द्वारा, यानी यश, तो अन्न को दान देने के कारण जो यश हो गया उसलिए उसको वाजश्रवा कहते हैं, और उसका जो पुत्र है वह वाजश्रवस हुआ। तो वाजश्रवस जो है उसने यज्ञ किया, कौन सा यज्ञ, सर्ववेदस। तो सर्ववेदस अर्थात जो समस्त धन, वेद का अर्थ तो ज्ञान होता है, तो यहां पूरा ज्ञान, सभी ज्ञान जिससे आ जाए उसके लिए सब कुछ जो न्यौछावर कर दिया जाता है, तो ज्ञान के लिए जो सब कुछ न्यौछावर कर दिया जाता है वह सर्ववेदस्य है। तो समस्त दान जो है उसने कर दिया। यहां पर उसके लिए रूढ़ अर्थ में भी प्रयोग किया गया है, तो एक कोई विश्वजीत नामक यज्ञ हुआ करता था, एक सर्वमेध यज्ञ हुआ करता था, यानी सब चीज का ही उसने मेध कर दिया, बलि दे दी। और ये विश्वजीत यज्ञ भी कराता था क्योंकि विश्व यानी संपूर्ण को इसने जीत लिया। तो ऐसा यज्ञ जिसे संपूर्ण को जीत लिया जाता है, ऐसा यज्ञ जिसमें कि सब कुछ जो है बलि दे दी जाती है, ऐसा यज्ञ जिससे कि संपूर्ण ज्ञान आ जाए, वैसे को ही सर्ववेदस यज्ञ कहा जाता है। तो ऐसे जो है सर्ववेदस यज्ञ को आयोजित किया किसने, वाश्रवस ने। तो उसने यह कामना की, उष्णः, उसने यह कामना की। तो यह जो कामना उसने की उसके कारण यज्ञ किया, उसके कारण दान किया। तो उसने जो दान किया तो कहा जाता है कि उसका वह एक जो है नचिकेता नाम का पुत्र का था। नचिकेता कहते हैं यज्ञ की अग्नि को, वह यज्ञ अग्नि जो कि भीतर से प्रकट की जाती है वह नचिकेत अग्नि है। और नचिकेता कहते हैं जिज्ञासु को भी, इसलिए जिज्ञासु कहते हैं। चिति किति संज्ञारे, इस धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है जिज्ञासु। तो नचिकेता कौन है, जो जिज्ञासु है। तो जो भी जिज्ञासु है वह नचिकेता है,
और उसका यह पुत्र था। पुत्र कौन है? बुधो नरक विशेषात त्रायते इति पुत्रः, जो नरक विशेष से हमें त्राण दिला दे, यानी जो हमें नरक से बचा ले, वैसे वो पुत्र कहा जाता है। उसका तो हालांकि औरस पुत्र था वह, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो हमें नरक से बचा लेता है उसे पुत्र कहा जाता है, चाहे औरस हो, चाहे गोद लिया हो या मानस पुत्र हो, कोई भी हो। तो इस तरह का पुत्र उसके पास था, और चूंकि उसने कैसे बचाया, यानी पुत्र धर्म कैसे निभाया, अपने पिता को कैसे बचाया, और किस तरह से इस यज्ञ को, यानी सर्ववेदस यज्ञ को सफल बनाया, यानी जिससे कि सारा ज्ञान आ जाए उसको सफल बनाया, इसी की पूरी दास्तान है या पूरी कहानी है, पूरी कथा है कठोपनिषद में। तो इस मंत्र का नहीं अर्थ था, आपने गौर से सुना, इसके लिए धन्यवाद। हरिओम।